तो दोस्तों, अगर आप एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं और एलटी टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतेंदु युग और भारतेंदु पूर्व युग के लगभग 130 प्रश्नों को, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, यह है आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा सामयिक काल। जो सामयिक काल है ये आधुनिक काल के लिए नाम नहीं दिया गया है। बाकी जो नाम दिए गए हैं यह है वर्तमान काल, गद्यकाल, आधुनिक काल। ये तीनों ही नाम आधुनिक काल के लिए नाम दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 2, इसमें पूछा गया है इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो जो आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है तो ये मानी जाती है 1843 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक। तो सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 3, इसमें पूछा गया है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन हैं। तो जो 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार होंगे तो ये होंगे गोकुलनाथ। सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो गोकुलनाथ थे इनके पिता का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम बताइए। तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता है यह भी गोकुलनाथ ही हैं। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जो गोकुलनाथ के दादा थे तो ये थे बल्वाचार्य। अगला क्वेश्चन है 5, इसमें पूछा गया है श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो जो ग्रंथ है श्रृंगार रस मंडन, इसके रचनाकार हैं विट्ठलनाथ। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, जो ये प्रश्न है ना केवल नेट सेट के लिए ही महत्वपूर्ण है अपितु यह हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला हो। चाहे परीक्षा कोई भी हो, हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, वहाँ पर आपको ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इन्हें स्किप ना करिए, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। तो जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई पुस्तक है यह अष्टयाम। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 7, इसमें पूछा गया है अष्टयाम का रचनाकाल क्या है। तो जो अष्टयाम का रचनाकाल रहेगा तो यह है 1603 ईस्वी। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 8, इसमें पूछा गया है चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है। तो जो चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता हैं ये है गंगकवि। यहाँ पर सही विकल्प बी रहेगा। तो जो गंगकवि थे ये अकबर के दरबारी थे, इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। यहाँ पर आपको एक तथ्य बता देता हूँ, जो चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ है इसे जो बच्चन सिंह हैं इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इसमें इन्होंने इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ बताया है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कभी बन सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है 9, इसमें पूछा गया है भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है। तो ये होगा रामप्रसाद निरंजनी। सही विकल्प यहाँ पर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10, इसमें पूछा गया है प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने, प्रश्न है प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है। तो जो प्रेम सागर की रचना हिंदी में की है ये की गई है लल्लू जी लाल के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 11, इसमें पूछा गया है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार इनमें से, जो भाषा योग वशिष्ठ है इसका रचनाकाल बताना है इनमें से क्या है। तो ये रहेगा 18वीं शती। अगर इसके रचनाकार के बारे में पूछा जाएगा तो हमने इसे अभी पढ़ा था, तो इसके रचनाकार होंगे रामप्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन है 12, इसमें पूछा गया है उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है। तो जो उदयभान चरित है ये रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन 13, इसमें पूछा गया है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। तो जो नासिकेतोपाख्यान रचना है इसके रचयिता होंगे सदल मिश्र। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा।
अगला जो क्वेश्चन है ये है 14। इसमें पूछा गया है इनमें से मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना कौन सी है। तो जो मुंशी सदासुख लाल नियाज है इनकी रचना का नाम सुखसागर होगा, सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें पूछा गया है इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन सा काम नहीं करता था। तो यहाँ पर चार विद्वान दिए गए हैं, इनमें से एक जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम नहीं करते थे तो ये होंगे इंशा अल्लाह खां, सही विकल्प डी होगा। बाकी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है यहाँ पर जो काम करते थे ये हैं जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र और लल्लू लाल। यहाँ से एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, पूछा जाएगा कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ पर स्थित है, तो ये कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। तो ये होगा मंडोवर का वर्णन, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी सिंहासन 32, बैताल 25 और शकुंतला नाटक ये तीनों ही लल्लू जी लाल की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है अगला जो क्वेश्चन 17 है इसमें पूछा गया है लल्लू जी लाल कहाँ के निवासी थे। तो लल्लू लाल जी ये निवासी थे आगरा के, सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 18। इसमें पूछा गया है लाल चंद्रिका किससे संबंधित है। तो जो लाल चंद्रिका ये बिहारी सतसई की ही टीका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो लाल चंद्रिका है किसकी रचना है, तो ये होगी लल्लू लाल जी की। अगला क्वेश्चन है 19। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो ये है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है 20। इसमें पूछा गया है मुंशी सदासुख लाल नियाज कहाँ के निवासी थे। तो जो मुंशी सदासुख नियाज थे तो ये दिल्ली के निवासी थे, सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अवश्य बनेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में से इनमें से किसे स्थान दिया है। तो ये दिया था सदासुख लाल नियाज को। अगला क्वेश्चन है 22। इसमें पूछा गया है हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है 1800 ईस्वी से। तो जो हिंदी गद्य का सूत्रपात माना जाता है ये 1800 ईस्वी से माना जाता है, सी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 23। इसमें पूछा गया है सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे। तो ये थे हिंदी भाषा के विरोधी, 23 का सही विकल्प डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 24। इसमें पूछा गया है सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया था। तो ये किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के द्वारा। सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के द्वारा किया गया था, डी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे। तो जो उर्दू के समर्थक थे और ये फ्रांस के रहने वाले थे ये थे गारसा दत्ता। आपने इनका जो इतिहास ग्रंथ के बारे में तो अवश्य सुना होगा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द इस्तवार द लित्रेउत्तर एंदुई एंदुस्तानी, ये इनका इतिहास ग्रंथ है और ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो इस्तवार द लित्रेउत्तर एंदुई एंदुस्तानी है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, सही विकल्प यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे, ये थे गारसा दत्तासी। यहाँ पर 26। इसमें पूछा गया है राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक रहेंगे तो ये रहेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 27। इसमें पूछा गया है इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इनके लेखक जो पुस्तक है इतिहास तिमिर नाशक, इस पुस्तक के लेखक होंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 28। इसमें पूछा गया है मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो ये हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इनकी तीन पुस्तकें हो गई हैं राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 29। इसमें पूछा गया है प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था। तो ये निकाला गया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा, डी सही विकल्प होगा।
यह प्रश्न भी बन सकता है कि जो प्रजा हितैषी नामक पत्र है कहाँ से निकलता था, तो ये निकलता था आगरा से। अगला क्वेश्चन है 30, इसमें पूछा गया है हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, ये कथन किस लेखक का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो ये कथन होगा राजा लक्ष्मण सिंह का। अगला क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे, तो ये थे नवीन चंद राय। जो नवीन चंद राय थे ये पंजाब में उर्दू का विरोध करते थे और हिंदी का समर्थन करते थे। अगला क्वेश्चन है 32, इसमें पूछा गया है फ्रेडरिक पिनकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे, तो जो फ्रेडरिक पिनकार्ट थे ये भारत में हिंदी भाषा के ही समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है 33, इसमें पूछा गया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ, तो ये हुआ था बंगाल में, सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 34, अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में इसे पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की, तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ये केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे, तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो ये थे राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी ये 1867 में की गई थी और किसने की थी, केशव चंद्र सेन के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, सही विकल्प यहाँ पर 37 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक इस क्वेश्चन से ही आपके चार क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची दो के साथ सुमिलित करना है, तो चलिए करते हैं। जो विवेकानंद संबंधित रहेंगे तो ये रहेंगे रामकृष्ण मिशन के साथ संबंधित, दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के साथ संबंधित रहेंगे, और जो केशव चंद्र सेन हैं ये रहेंगे प्रार्थना समाज से संबंधित, और जो राजा राममोहन राय हैं तो ये राजा राममोहन राय रहेंगे ब्रह्म समाज से संबंधित, तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प ए होगा, अर्थात कोड ए होगा, ए का बी, दो का सी, तीन का डी और चार का ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 39, तो इसमें पूछा गया है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है श्रीमती एनी बेसेंट को। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है 40, इसमें पूछा गया है बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है, तो यह है श्रीमती एनी बेसेंट को ही। अगला क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है, तो जो आधुनिक काल का जनक माना जाता है तो ये माना जाता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में ये बन सकता है, आधुनिक काल का जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन हैं, तो जो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता रहेंगे तो ये रहेंगे विकल्प ए दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी ये की गई थी बम्बई में, उस समय बम्बई कहा जाता था, आजकल से मुंबई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा गया है हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो यह रहा है आर्य समाज का, नोट करिएगा इस प्रश्न को, जो हिंदी के प्रचार में आर्य समाज का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है 45, इसमें पूछा गया है भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है, तो जो भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है तो ये होगी 1857 से लेकर 1900, सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 46, इसमें पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर हिंदी साहित्य की प्रतीक परीक्षा में पूछा जाता है, तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था तो ये 1903 में संभाला था, तो सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा, 46 का सी। अगला क्वेश्चन है 47, भारतेंदु जी का जीवन काल कुछ कितने वर्षों का रहा, तो ये रहा था सिर्फ 35 वर्ष का, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्होंने
अल्प आयु 35 वर्ष ही जी। तो इतने 35 वर्षों में इन्होंने ना जाने हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या क्या योगदान किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं ये हमारे भारत में। इन्होंने समाज सुधारक के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। इनका कई बार अगर जन्म पूछा जाए कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1850 में। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है। तो जो पंडिताउपन माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये सदासुख लाल की भाषा में माना है, तो सही विकल्प सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 49, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है। तो जो हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जाता है, तो यहाँ पर सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 50, इसमें पूछा गया है चूर्ण साहब सब लोग खाता सारा देश हजम कर जाता, ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो 50 का सही विकल्प सी होगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है ये है 51, इसमें पूछा गया है इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है। तो जो भारतेंदु मंडल का लेखक होगा तो वो होंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो कई बार इनका जो जन्म भी पूछा जाता है कि जो प्रेमघन का जन्म कब है, तो ये होगा 1855 में। बाकी जो सरदार पूर्ण सिंह है, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ये तीनों ही द्विवेदी युग के कवि हैं, सिवाय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के। अगला क्वेश्चन है 52, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। तो ये होंगे विकल्प डी गुलाब राय। बाकी बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों ही भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 53, इसमें पूछा गया है भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। तो ये किया गया था जानकी मंगल नाटक में, सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 54, इसमें पूछा गया है इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मुछ मुंडवाले की आज्ञा मांगी थी। तो ये जो प्रताप नारायण मिश्र है, इन्होंने ही अपने नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मुछ मुंडवाने की आज्ञा मांगी थी, तो यहाँ पर 54 का सही विकल्प ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 55, इसमें पूछा गया है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो ये होंगे बालकृष्ण भट्ट। तो कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो नूतन ब्रह्मचारी है ये किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, सही विकल्प सी रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 56, इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है। तो ये माना है परीक्षा गुरु को, सही विकल्प सी होगा। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन थे, तो इनका नाम हमें बताना है कि जो पत्रिका है हिंदी प्रतीप, इसके संपादक कौन रहे हैं। तो ये रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो बालकृष्ण भट्ट है किस युग से ये संबंधित रहे हैं। तो इनका योगदान रहा है भारतेंदु युग में अधिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ पत्र पत्रिका है और दूसरी तरफ संपादक का नाम है। तो यहाँ पर जो हिंदी प्रतीक पत्रिका होगी इसके रचनाकार होंगे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। फिर होंगे ब्राह्मण, इसके संपादक रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर है कवि वचन सुधा, ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और सबसे अंत में है भारत मित्र, इसके संपादक रहे हैं रुद्रदत्त। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही कोड हो जाएगा तो वो हो जाएगा कोड ए। तो यहाँ पर जो सही कोड हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, अर्थात ए का सी, दो का डी, तीन का ए और चार का बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पर जो है भारत मित्र पत्रिका है, ये दिल्ली से नहीं कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी कथन देख लेते हैं, हिंदी प्रति पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, सही हो जाएगा। इसके पश्चात है ब्राह्मण, तो इसका कानपुर से प्रकाशन होता था, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर है सदाचार मार्तंड, इसका जयपुर से प्रकाशन होता था, तो ये भी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो ये निकलती थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो जो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं इनमें जो नील देवी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक हो जाएगा, अंधेर नगरी यह भी भारतेंदु का है, और प्रेम जोगिनी ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। तो जो विशाख है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं, ये आपके जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाएगा, याद रखना है आपने इसे भी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान की जाती हैं। इसी के साथ अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर भी इसके बाकी पार्ट्स देख सकते हो, महत्वपूर्ण पार्ट्स है, आपकी परीक्षा के लिए ये प्रश्न अवश्य बनेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 62, इसमें पूछा गया है इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ नाटककार दिया गया है और दूसरी तरफ नाटक, तो हमें इनका मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके द्वारा लिखा गया है वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति नाटक, ठीक है। इसके पश्चात है जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा लिखा गया है अजातशत्रु नाटक। फिर है मोहन राकेश, इनके द्वारा लिखा गया है लहरों के राजहंस नामक नाटक। इसके पश्चात है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके द्वारा लिखा गया है कल्पतरु नाटक, ठीक है ना। तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं, कहाँ पर ये मिलान सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, अर्थात ए का सी, दो का ए, तीन का बी और चार का डी। अगला क्वेश्चन है 63, इसमें पूछा गया है भीतर भीतर सबरस चूसे हंसी हंसी के तन मंधन मुसे, ये जो पंक्ति है किस कवि की बताना है? तो जो ये पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर एनटी नेट की परीक्षा में से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 64, इसमें पूछा गया है भारतेंदु युग की कवियों में से हर गंगा नामक कविता किसने लिखी है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो कविता है हर गंगा ये भारतेंदु युग की कविता है, और किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 64 का, तो वो हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है 65, इसमें पूछा गया है विशेष्य विषमोष्टम नाटक के रचयिता कौन है? नाटक है विशेष्य विषमोष्टम, इस नाटक के रचनाकार हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। आपको इस जो ये रचना है इसकी विधा भी आपको याद रखनी है। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो विशेष्य विषमोष्टम है ये किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी नाटक विधा की रचना, आपको ये याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये जो पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है ये? ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। अगला क्वेश्चन है 67, इसमें पूछा गया है हमारो उत्तम भारत देश, तो ये जो पंक्ति है किसकी है? एक तो ये पंक्ति के तौर पर भी गिना जाता है, उसके पश्चात ये रचना भी हो जाएगी, किसकी रचना ये पंक्ति है ये? तो ये हो जाएगी राधाचरण गोस्वामी की, यहाँ पर जो विकल्प ए है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68, इसमें पूछा गया है भारत भारती के रचयिता कौन थे? तो जो रचना है भारत भारती, तो इसके रचनाकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर जो सही विकल्प सी हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो भारत भारती है इसका रचनाकाल क्या है? तो ये हो जाएगा 1912, इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और ये जो रचना है ये द्विवेदी युग की प्रमुख रचना के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 69, इसमें पूछा गया है भक्तमाल के रचयिता कौन है? यहाँ पर भक्तमाल नहीं, नवभक्तमाल के रचयिता पूछा गया है, तो जो नवभक्तमाल है इसके रचनाकार होंगे विकल्प डी राधाचरण गोस्वामी, ठीक है। अगर भक्तमाल के रचनाकार के नाम पूछा जाए तो ये हो जाएंगे नावादास। अगला क्वेश्चन है 70, इसमें पूछा गया है जो विषया संतन तजी ताही मुड़ लपटात, जो नर डारत बमन करी समान स्वाद सो खात, तो ये जो पंक्ति है किस कवि की है, या कि दोहा है किस कवि का दोहा है ये? तो ये हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी का, यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
71 इसमें पूछा गया है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये नेट की परीक्षा में पूछा गया था एक बार, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय में कौन दीक्षित हुए थे, तो ये हुए थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काल क्या है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है सूची ए को सूची दो के साथ मिलाइए। तो सूची ए में कवि के बारे में दिया गया है और सूची दो में रचनाकार के बारे में दिया गया है, तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं। तो जो राधाचरण गोस्वामी है इनकी जो रचना हो जाएगी नवभक्तमाल, इसे हमने अभी देखा था ऊपर, ठीक है। इसके पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, इनकी रचना हो जाएगी विकल्प सी वैशाख महात्म्य, ठीक है। इसके पश्चात आएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचना हो जाएगी सूर्य स्त्रोत, ठीक है। फिर होंगे अंबिकादत्त व्यास, इनकी रचना हो जाएगी कंसवध, ठीक है ना। फिर से आपको बता देता हूँ, जो रचना है सूर्य स्त्रोत ये हो जाएगी आपकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। फिर जो नवभक्तमाल रचना है ये हो जाएगी आपकी राधाचरण गोस्वामी की रचना, और वैशाख महात्म्य है ये रचना हो जाएगी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और जो रचना है कंसवध ये रचना हो जाएगी अंबिका दत्त व्यास की, ठीक है। इस प्रकार जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोड दो, इसमें ए का बी हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा, तीन का ए हो जाएगा और चार का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, तो बताना है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं थी। तो जो भक्ति भावना थी ये भारतेंदु युग की मानी जाती है, प्रकृति चित्रण ये भी भारतेंदु युग की मानी जाती है, श्रृंगारिकता ये भी भारतेंदु युग की मानी जाती है, बाकी जो इति वृत्तात्मकता है ये भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं थी, ये आपके द्विवेदी युग की प्रवृत्ति मानी जाती है। कई बार ये प्रश्न बनता है कि जो समस्या पूर्ति थी ये किस युग की प्रवृत्तियों या विशेषताओं में से गिनी जाती हैं, तो ये भारतेंदु युग की हो जाएगी, ठीक है। ये जो इति वृत्तात्मकता है प्रमुख तौर पे ये द्विवेदी युग की विशेषता मानी जाती है, इसको ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 74, इसमें पूछा गया है तरणी तनुजा तट तमार तरोवर बहु छाए। तो जो ये पंक्ति है किस कवि की है, प्रमुख पंक्तियों में इसे गिना जाता है, तो ये पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक दिन मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे इस प्रश्न पे पूछा था कि किसकी पंक्ति है, तो बहुत से बच्चों ने इसे गलत कर दिया था, क्योंकि ये आसान प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं, क्योंकि यहीं से आपका स्कोर किसी भी बोर्ड में निर्धारित होता है, ठीक है। आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर वीडियो में देखने के लिए तो आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे, परंतु जब परीक्षा में आप बैठते हो तो इस तरह के प्रश्न ही आपको ऊपर से नीचे ला देते हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न ध्यानपूर्वक देखने हैं और इनके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है 75, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है, तो इसमें जो सही विकल्प हो जाना था तो ये है समस्या पूर्ति। तो जो समस्या पूर्ति है ये भारतेंदु काल की है, बाकी भाषा की लाक्षणिकता ये भारतेंदु काल की ना होकर द्विवेदी युग की है। इसके पश्चात जो इति वृत्तात्मकता है तो ये भी द्विवेदी युग की हो जाएगी, और जो संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग यह भी द्विवेदी युग का होगा, क्योंकि इस समय खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, तो फिर उन्होंने संस्कृत वर्णों को भी अपने भाषा में प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो समस्या पूर्ति है ये भारतेंदु युग की ही विशेषता या प्रवृत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यह बिहारी तबे बदलेगी कछु पीपीहा जब पूछे ही पीप कहाँ, ये पंक्ति भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा किसकी पंक्ति हो जाएगी, ये तो ये हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति, यहाँ पर सही विकल्प भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, इसमें पूछा गया है समस्या पूर्ति सर्वस्व। तो जो ये रचना है समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे विकल्प सी अंबिका दत्त व्यास, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉन्च की गई पीडीएफ को भी ले सकते हो। ये जितनी भी पीडीएफ हैं ये सभी उत्कृष्ट श्रेणी की है, इनमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
इस नज़रिए से ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। यहाँ पर आपको दो PDF दी जाएंगी, इनमें जो पहली होगी उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ये सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और जो दूसरी होगी इसमें आपको 1000 प्लस वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर 78, तो यहाँ पर कवि और उसके काल के बारे में बताना है कि कौन सा कवि किस काल से संबंधित रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है कि जो अज्ञेय है इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो इनका जो समय माना जाता है ये प्रयोगवाद हो जाएगा। फिर थे सुमित्रानंदन पंत, तो ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो ये द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है ना। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युग के कवि थे। एक बार फिर से बता देता हूँ, अज्ञे हो जाएंगे प्रयोगवाद के, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे छायावाद के, हरिऔध जी हो जाएंगे द्विवेदी युग के, और प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे भारतेंदु युग के, ठीक है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड हो जाएगा तो वो हो जाएगा कोड D, ए का B, दो का A, तीन का D और चार का C। अगला क्वेश्चन है 79, इसमें पूछा गया है शकुंतला नाटक के रचयिता कौन थे। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो जाता है। तो जो शकुंतला नाटक थी इसके रचनाकार थे राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है 80, इसमें भी सुमेरित करना है। एक तरफ नाटककार दिया गया है और दूसरी तरफ नाटककार की रचना के बारे में दिया गया है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनके नाटक का नाम है अंधेर नगरी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, इनके नाटक का नाम है स्कंदगुप्त। लक्ष्मी नारायण लाल थे, इनके नाटक का नाम है मादा कैक्टस। और मोहन राकेश, इनके नाटक का नाम है अषाढ़ का एक दिन। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाता है। फिर से आपको बता दूं, जो अंधेर नगरी है ये रचना या नाटक भारतेंदु का हो जाएगा। फिर जो जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाएगा स्कंदगुप्त, मोहन राकेश का हो जाएगा अषाढ़ का एक दिन, और लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा मादा कैक्टस। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, एक नाटक या रचना है उसका नाम है मिस्टर अभिमन्यु, आपको बताना है वो रचना किसकी है, उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है, ठीक है। आपके लिए आज मैंने दो प्रश्न छोड़े हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 81, इसमें पूछा गया है नीति विनोद के रचयिता का क्या नाम है। तो जो रचना है नीति विनोद, इसके रचनाकार हो जाएंगे गोविंद गिल्ला भाई, तो यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी परीक्षा में से पूछा गया है। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था, भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है। इंपॉर्टेंट टिप्पणी है दोस्तों, ये हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आज का तीसरा प्रश्न आपको ये छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका कब कब प्रकाशन या इसका जो संशोधन किया गया है। एक बार इसका प्रकाशन किया गया है और दूसरी बार इसका संशोधन किया गया है। दो तिथियां आपको ये बतानी है कि कौन कौन सी वे तिथियां हैं, अगर एक भी आपको आती हो तो अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 83, इसमें पूछा गया है भारत बारामासा की रचयिता इनमें से कौन है। तो जो रचना है भारत बारामासा, इसके रचनाकार का नाम हो जाएगा राधा कृष्ण दास, सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 84, इसमें पूछा गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे। तो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके काव्य गुरु माने जाते हैं नवनीत चतुर्वेदी, यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। जो नवनीत चतुर्वेदी थे इन्होंने भी खड़ी बोली हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला क्वेश्चन है 85, इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश की विजयगढ़ राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे। तो जो विजय मध्य प्रदेश की एक रियासत है विजय राघवगढ़, क्या नाम है विजय राघवगढ़, इसके राजकुमार के बारे में हमें बताना है कि इसके राजकुमार कौन थे। तो ये थे ठाकुर जगमोहन सिंह, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 86, इसमें पूछा गया है हो होड़ी ये काव्य कृति किसकी है। तो ये हो जाएगी अंबिकादत्त व्यास की, यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, इसमें पूछा गया है लोकोक्ति शतक के रचयिता कौन थे। तो जो रचना है लोकोक्ति शतक,
इसके रचयिता के बारे में हमें बताना है कि ये कौन थे, तो ये हो जाएंगे विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है 88, इसमें पूछा गया है कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो रसिक संप्रदाय या रसिक समाज था, इसका संबंध किस शहर से रहा है, तो ये रहा है कानपुर से। और किस कवि का संबंध रहा है रसिक समाज से, कानपुर के थे जो, तो ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 89, इसमें पूछा गया है ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा में किसने अनुवाद किया है, तो ये किया गया है जगमोहन सिंह के द्वारा। कौन कौन सी रचनाएं हैं ये, ऋतु संहार और मेघदूत, इन दोनों का ही ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किया गया है जगमोहन सिंह के द्वारा, यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, इसमें पूछा गया है नागरी निरध नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो जो रचना है नागरी निरध रचना नहीं पत्रिका है, इसके संपादक रहे हैं प्रेमघन जी। क्या नाम है इनका पूरा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो प्रेमघन नाम से कौन रचना करते थे, तो ये थे बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91, इसमें पूछा गया है हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है, क्या है हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किसने माना है, तो हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण माना गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा, यहाँ पर जो सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, इसमें पूछा गया है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियों की रचना की है, तो यहाँ पर पूछा गया है काव्य कृतियों, टोटल रचनाएं नहीं दोस्तों, काव्य कृतियाँ सिर्फ, तो ये हो जाएंगे 70, यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा, इनके द्वारा कुल 70 काव्य कृतियों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है 93, इसमें पूछा गया है कौन सा हिंदी कवि अब्बर उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था, किस नाम से, अब्बर उपनाम से, और किस भाषा में, उर्दू में, तो ये हो जाएंगे डी प्रेमघन जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 94, इसमें पूछा गया है बिहारी के दोहों को कुंडलियों में विस्तार करने का श्रेय किस कवि को दिया जाता है, तो ये अंबिकादत्त व्यास को दिया जाता है, जो बिहारी के दोहे थे इसको कुंडलियों में विस्तार दिया था अंबिकादत्त व्यास के द्वारा, यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, इसमें पूछा गया है कुब्जा पच्चीसी किस कवि की रचना है, तो जो रचना हो जाएगी कुब्जा पच्चीसी, इसके रचनाकार हो जाएंगे नवनीत चतुर्वेदी, तो पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये किस रचनाकार के गुरु थे, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कवि हैं इनके ये गुरु थे नवनीत चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है 96, इसमें पूछा गया है रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई थी, तो जो रहीम के दोहे थे इस पर कुंडलियाँ बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी राधाकृष्ण दास के द्वारा, यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, इसमें पूछा गया है किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था, तो जो पत्रिका है ये कौन सी होगी पत्रिका, तो ये हो जाएगी हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। और कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि इसके संपादक कौन थे, तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपको हरिश्चंद्र से याद रखना है कि किसी पत्रिका है ये। अगला क्वेश्चन है 98, इसमें पूछा गया है 1857 की राज्य क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया था, तो ये किया गया था मंगल पांडे के द्वारा, डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 99, इनमें से कौन सा लेखक आगरे का निवासी था, तो जो ये राजा लक्ष्मण सिंह थे इनका संबंध आगरा से रहा है, सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाना है तो ये हो जाएंगे लल्लू जी लाल, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101, इसमें पूछा गया है निम्न नाटकों को आरोही रचना कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक आएगा, फिर अजात शत्रु, फिर आषाढ़ का एक दिन, और सबसे अंत में कल्पतरु, ठीक है ना, सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो यहाँ पर कुछ लेखक हैं उनको आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प डी है, अर्थात सबसे पहले आएंगे बाबू हरिश्चंद्र, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल और फिर रामविलास शर्मा। ठीक है, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनके द्वारा भारतेंदु युग का नामकरण पड़ा है, आपको तो ये पता ही होगा। फिर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इनके नामकरण पे ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। फिर जो रामचंद्र शुक्ल थे इनका नाम आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। फिर जो रामविलास शर्मा है इनको मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को और जो निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका है इसे संपादित किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1903 में। ठीक है ना, याद रखिएगा इसकी डेट पूछी जाती है कब इसे प्रकाशित किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1903 में इन्होंने ये कार्यभार संभाला था सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन आती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी। फिर ब्राह्मण, ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका होगी। फिर हिंदी प्रतीप है, यह होगी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार कोड ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही विकल्प होगा। तो ये होगा विकल्प दो, विकल्प बी। तो जो बाबू हरिश्चंद्र हैं ये सबसे पहले आएंगे, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर राधा कृष्ण दास और सबसे अंत में आएंगे नवनीत चतुर्वेदी। ठीक है ना, ये जितने भी रचनाकार हैं या लेखक हैं ये सभी भारतेंदु युग में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि और उनके जीवन काल को सम्मिलित करना है। तो जो बाबू हरिश्चंद्र दास थे इनका समय माना जाता है 1850 से लेकर 1885, अर्थात 1850 को इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्मकाल है 1856 से 1894 तक। फिर है अंबिकादत्त व्यास, इनका जन्म है 1858 में और मृत्यु 1900 ईस्वी में। फिर है राधाकृष्ण दास, तो इनका जन्म है होगा 1865 में और मृत्यु 1907 में। इस प्रकार से यहाँ पर ये मिलान सही हो जाता है, यहाँ पर कोड एक सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी रचना और लेखक को सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। तो जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। किसने माना है उसका नाम आपको बताना है। यहाँ पर किसके द्वारा परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, अंग्रेजी ढंग का। ठीक है ना, उनका नाम बताना है। तो जो परीक्षा गुरु है इसके रचनाकार थे लाला श्रीनिवास दास। फिर है निस्सहाय हिंदू, इसके रचनाकार होंगे राधाकृष्ण दास। फिर है नूतन ब्रह्मचारी, तो इसके रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट। फिर है हमीर हट, तो इसके रचनाकार होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोड दो। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है ना, इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी लिंक उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है इन उपन्यासकारों को आरोही कालक्रमों में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले आएंगे श्रीनिवास दास, फिर आएंगे देवकीनंदन खत्री, फिर आएंगे प्रेमचंद और सबसे अंत में आएंगे जयशंकर प्रसाद। तो जो यहाँ पर देवकीनंदन खत्री थे इनके द्वारा तिलिस्मी और अय्यारी के उपन्यास लिखे गए हैं। इनके उपन्यासों से प्रभावित होकर बहुत से अन्य भाषाओं के पाठक हिंदी को सीखने के लिए विवश हो गए थे, क्योंकि इनके उपन्यासों में इस प्रकार का चमत्कार था कि बहुत से पाठक बहुत प्रभावित हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है 112, इसमें पूछा गया है स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। स्थापना है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे भारतेंदु ने दूर किया और साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया। ठीक है, तर्क है, भारतेंदु जी ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त किया और नवीन विषयों का समावेश किया। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर ये
स्थापना थी ये तो पूर्णतः सही थी, पर जो ये तर्क था इसका ये आंशिक सही होगा। आंशिक इस प्रकार से क्योंकि जो भारतेंदु जी थे उनके उनके द्वारा जो कविताओं का वर्णन किया जा रहा था अपने समय में वो पूर्णतः रीतिकालीन से मुक्त नहीं थे, कहीं ना कहीं उनमें जो रीतिकाल की परंपरा कुछ पाई जाती थी, इसलिए पूर्णतः नहीं मान सकते, कुछ हद तक ये रीतिकाल से मुक्त थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह भी तर्क और स्थापना वाला है, तो चलिए देखते हैं। स्थापना है, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं लिखी गई। इसका तर्क है, भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई और कविता को रीतिकालीन प्रवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया। तो देखिए ये पिछले वाले प्रश्न के समान ही है, तो यहाँ पर जो स्थापना थी ये तो पूर्णतः ठीक हो जाती। स्थापना किस प्रकार से, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ था, बिल्कुल सही है। विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण और जनता को ध्यान खींचने वाली कविताएं इस समय लिखी गई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो इसका तर्क था, भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई, तो ये पूर्णतः बदलने में सफलता नहीं पाई थी दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। बाकी आगे था, कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त किया था, तो ये दोस्तों ये हमने पिछले प्रश्न में ही डिस्कस किया था, तो ये पूर्णतः ही रीतिकालीन परिवेश से मुक्त नहीं करवाया था। ये रीतिक जो द्विवेदी युग में जाकर पूर्णतः मुक्त मानी जा सकती है, भारतेंदु युग में ये पूर्णतः मुक्त नहीं हुई थी रीतिकालीन परिवेश से, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होना था तो वो डी होना था, अर्थात स्थापना सही थी, तर्क गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 114, तो इसमें पूछा गया है, इन नाटकों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नाटक दिए गए हैं, तो जितने भी ये हैं यहाँ पर ये नाटक हैं, जैसे चंद्रावली नाटिका, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, लहरों के राजंश, ये सभी नाटक हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प भी बी हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले चंद्रावली नाटिका आएगी, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी और सबसे अंत में लहरों के राजंश। इनके में नाटककार का नाम भी आपको बता देता हूँ, जो चंद्रावली नाटिका है तो ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, चंद्रगुप्त नाटक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और लहरों के राजंश ये मोहन राकेश का नाटक है। इनको भी आप याद रखिएगा, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। आगे है, एक तरफ आपकी रचना दी गई और दूसरे तरफ लेखक का नाम, तो इनका मिलान करना है हमें, तो चलिए मिलान करते हैं। जो लोकोक्ति शतक है यह हो जाएगी रचना आपकी प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है। फिर नीति विनोद यह हो जाएगी गोविंद गिल्ला भाई की रचना। फिर कुब्जा पच्चीसी तो यह नवनीत चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है। फिर प्रेम माधुरी तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कोड है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ए का 3 सही होगा, बी का 1 ये भी सही है, सी का 2 ये भी सही होगा और डी का 4 ये भी सही होगा। फिर से बता देता हूँ, लोककोक्ति शतक होगी प्रताप नारायण मिश्र की रचना, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई की रचना, कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी की रचना, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी। 116 इसमें पूछा गया है, कुछ रचनाएं हैं इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा, फिर चंद्रगुप्त, फिर सिंदूर की होली और सबसे अंत में आधे अधूरे। तो जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक हो जाएगा, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाएगा, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक हो जाएगा और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक हो जाएगा। तो इनके नाटककार का नाम भी आपको याद रखना है और कालक्रम का नाम भी आपको याद रखना है। अगला है, आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो चलिए करते हैं सुमेलित। ये जो साहित्य लोचन है ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास का आलोचना ग्रंथ, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। आगे है प्रेमचंद, तो ये रामलीला शर्मा का आलोचना ग्रंथ हो जाएगा। कवि निराला, ये नंदुलारे वाजपेयी का नाटक हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह का आलोचना ग्रंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पर कोड सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से एक बार बता दूंगा आपको, साहित्य लोचन ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास का आलोचना ग्रंथ, ठीक है।
प्रेमचंद, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा का आलोचना ग्रंथ। कवि निराला, तो ये हो जाएगा आपका नंदुलारे वाजपेयी का ग्रंथ। और जो दूसरी परंपरा की खोज है, ये डॉक्टर नामवर सिंह का आलोचना ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कौन सी कहानी है। आपको ये भी याद रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनके द्वारा कहानी भी लिखी गई है और कविता भी लिखी गई है। इसी के साथ आलोचना ग्रंथ भी लिखे गए हैं और इतिहास ग्रंथ भी लिखा गया है। इतिहास ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, ठीक है। और जो इनकी कहानी का नाम है, तो ये हो जाएगा 11 वर्ष का समय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। तो यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं, इनमें से हमें ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा मंदाकिनी। तो जो मंदाकिनी थी, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्रा थी, ठीक है। और ये किसका नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था। तो जो कार्नेलिया थी, इसका विवाह हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। और ये दोनों पात्र चंद्रगुप्त नाटक के हैं। और ये नाटक किसका है, चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुछ लेखक हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर आएंगे राधा कृष्ण दास, और सबसे अंत में आएंगे नवनीत चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम। तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं। तो जो रचना है प्रेम सरोवर, इसके रचनाकार हो जाएंगे भारतेंदु। फिर है लालित्य लहरी, इसके रचनाकार हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर है श्यामा सरोजनी, इसके रचनाकार हो जाएंगे जगमोहन सिंह। और सबसे अंत में है भारत बारहमासा, इसके रचनाकार हो जाएंगे राधा कृष्ण दास। फिर से ये बता देता हूँ, प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, लालित्य लहरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, श्यामा सरोजनी जगमोहन की रचना है, और जो भारत बारहमासा है, ये राधा कृष्ण दास की रचना है। इस प्रकार जो यहाँ पर कोड सही सी हो जाएगा, सही यहाँ पर कोड। अगला क्वेश्चन भी है मिलान करने वाला, एक तरफ काव्य पंक्ति है, दूसरी तरफ है इसके रचनाकार। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पंक्ति है, अब यूं और आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लगी के तियां। तो जो ये पंक्ति किसकी है, तो ये हो जाएगी ठाकुर जगमोहन सिंह की। फिर है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ये पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर है जो विषय है संतन तजी ताही मुड़ लपटात, तो ये पंक्ति हो जाएगी राधा कृष्ण दास की। फिर है यह बियारी तबे बदले की कछू, जब पीहा पूछे पीप कहाँ, तो ये पंक्ति हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दूंगा आपको, तो जो ये पंक्ति है, अब यूं उर आवत है सजनी, तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी यहाँ पर जगमोहन सिंह की। दूसरी है तरणी तनुजा तट माल तरुवल बहु छाए, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति होगी। अगली पंक्ति है जो विषय है संतन तजी ताही मुड़ लपटात, तो ये राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। अंतिम पंक्ति है यह बियारी तबे बदलेगी कछू, जब पिया पूछे ही पीप कहाँ, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो सही कोड हो जाना था, तो ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी तर्क और स्थापना वाला है। चलिए स्थापना देख लेते हैं। स्थापना है, भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्षिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ में ही कृष्ण को नायक तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। और इसका तर्क है, भारतेंदु की काव्य कृतियों में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति के साथ साथ वही संधि का निरूपण भी किया गया है। उक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा विकल्प भी सही हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। किस प्रकार से हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति पूछा गया है, मर्यादित एक सीमा में।
मर्यादित अभिव्यक्ति की है। बिल्कुल सही है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्षिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण भी इन कवियों के द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये किया गया था। आगे है, कृष्ण को नायक और राधा को नायिका माना था इन्होंने। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस युग के कवियों ने कृष्ण को नायक और राधा को नायिका माना था, तो ये हो जाएंगे भारतेंदु युग के कवि। ठीक है, कृष्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी इनके द्वारा किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप इन प्रश्नों को दोस्तों ढंग से पढ़िएगा, देखिएगा कितने प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। आगे हैं भारतेंदु जी की काव्य कृतियाँ हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी। ठीक है ना, ये चार इनकी रचना है, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी। और इनमें श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है भारतेंदु जी के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और आर यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है यह भी है स्थापना और तर्क वाला, तो चलिए देखते हैं। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन को यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई। ठीक है, आगे है तर्क, भारतेंदु युग में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया। भारत दुर्दशा का चित्रण इस काल के कवियों ने नहीं किया। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, तो कथन ए अर्थात स्थापना तो बिल्कुल सही हो जाएगी, जो जो कहा गया है बिल्कुल सही है। इसका जो तर्क था यहाँ तक, तो इसका तर्क बिल्कुल सही था। इस प्रकार से भारतेंदु युग ने नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ, क्या था, भारतेंदु युग में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ था, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही था। आगे जो है, भारत दुर्दशा का चित्रण इस काल के कवियों ने नहीं किया, तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात ए सही है, आर आंशिक सही है। यहाँ तक तो सही है, पर यहाँ से आगे गलत हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, भारत दुर्दशा का चित्रण इन्होंने इन विषयों के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है, भारत दुर्दशा का चित्रण भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से है स्थापना और तर्क वाला, तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्यकाल नाम दिया और इसका समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया था 1843 ईस्वी से लेकर 1903 तक। ठीक है, आगे है, आचार्य शुक्ल का ये नामकरण पूर्णतः उचित है तथा इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। इस काल में पद्य की रचना उस परिमाण में नहीं हुई जिसमें होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात स्थापना तो पूर्णतः सही हो जाएगी, पर जो तर्क है यह आंशिक गलत हो जाएगा। कैसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह नामकरण पूर्णतः उचित है, तो ठीक है जी, पूर्णतः उचित है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है, यह इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति की ओर परिलक्षित पूर्णतः नहीं करता, थोड़ा थोड़ा सा ये राज रह जाता है, क्योंकि यह सिर्फ गद्यकाल ही नहीं था, इसके अलावा भी इस समय अन्य विधाओं पर रचना होती थी। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा, पूर्णतः नहीं आंशिक गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाला, पूछा गया है, वार्ता ग्रंथों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ हैं जो वल्लभ भाई जी के पौत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया। 84 वैष्णवन की वार्ता में बल्लभाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन थे, तो ये थे गोसाई गोकुलनाथ। ठीक है, और ये बल्लभाचार्य जी के क्या थे, पौत्र थे ये। आगे है, 84 वैष्णवन की वार्ता में किन के शिष्यों का जिक्र किया गया है, तो ये किया गया था बल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जिक्र। आगे है, 252 वैष्णवन की वार्ता में किन के शिष्यों का जिक्र किया गया था, तो ये था गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जिक्र। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको पहले व्याख्या देते देता हूँ, फिर आपको स्थापना और तर्क के बारे में बताऊँगा। तो देखिएगा, तो जो बल्लभाचार्य थे, तो ये तो थे गोकुलनाथ जी के दादा, और जो गोसाई विठलनाथ थे, ये बल्लभाचार्य जी के
पिता थे, ये याद रखना है आपने। ठीक है, आगे है, फिर से पढ़ लेते हैं स्थापना को। वार्ता ग्रंथों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ हैं, जो बल्वाचार्य जी के पौत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया। 84 वैष्णवन की वार्ता में बल्वाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णवन की वार्ता में गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे है तर्क, बल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विट्ठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है, जिसे लिपिबद्ध करने का श्रेय श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट, हरिराय ने किया। हरिराय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। तो यहाँ पर हमें चयन करना है कि कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत। तो यहाँ पर सही हो जाएंगे दोनों ही कथन। तो जो ये स्थापना और तर्क है, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे है, निम्न ग्रंथों को उनके आरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प डी, सी नहीं डी। सबसे पहले आएगा अष्टयाम, फिर 84 वैष्णवन की वार्ता, फिर वैशाख वैशाख महात्म्य, और सबसे अंत में आएगा बेताल पच्चीसी। ठीक है ना, डी से ही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे है मिलान वाला प्रश्न। तो एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो रानी केतकी की कहानी है, ये हो जाएगी इंशा अल्लाह खां की रचना। प्रेम सागर, तो ये हो जाएगा लल्लू लाल की रचना। फिर सुख सागर, तो ये हो जाएगी सदा सुख लाल की रचना। फिर नासी के तो उपाख्यान है, तो ये हो जाएगी आपकी सदल मिश्र की रचना। इस प्रकार जो कोड तीन है बिल्कुल सही हो जाता है। फिर से बता देता हूँ आपको, रानी केतकी की कहानी हो जाएगी इंशा अल्लाह खां की रचना। प्रेम सागर, तो ये हो जाएगा लल्लू लाल की रचना। फिर है सुख सागर, तो ये हो जाएगा सदा सुख लाल की रचना। और सबसे अंत में है नासी के तोपाख्यान, तो ये हो जाएगी सदल मिश्र की रचना। याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से अवश्य एक दो प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी एलटी टेट की परीक्षा है, इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो, आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप एलटी टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा, आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है, 8219312129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे एलटी टेट की परीक्षा हो, एलटी कमीशन की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं, ये एलटी टेट के हैं, एलटी कमीशन के हैं, पीजीटी हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए।